ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैंने दिमाग से खेला और अच्छा खेला कि मैं फिनाले तक आई हूँ, क्या अच्छा इंसान वाला टाइम। ये पूरी जो पहेली है वो मैं थोड़ा सा सुलझाती हूँ। तो अर्चना के साथ प्लान झगड़े हमारे कभी नहीं हुए, हम दोनों के अभी भी ऐसे ही नेचर है कि लड़ पड़ते हैं किसी भी बात पर। हाँ हम ये सब बातें बोलते थे कि यार मंडली तो फैमिली बना के बैठी है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम आपस में झगड़ लें ये। लेकिन एक कॉन्वर्जेशन हम मस्ती मजाक में करते थे, पर कभी ऐसा नहीं हो कि इसके साथ मेरा प्लान झगड़ा होगा, क्योंकि ये सर में दर्द कर देगी इसके साथ प्लान झगड़े में भी। सेकेंड, टीना को अकेले पाकर दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई। टीना से मेरी दोस्ती तब थी जब अंकित भी यहाँ था, तो वो हमारी दोस्ती धीरे धीरे बिल्ड ज्यादा अच्छे से हुई है, लेकिन कभी ये नहीं था कि टीना को अकेले पाकर दोस्ती हुई। रही बात शालीन की, तो शालीन के साथ मेरा हमेशा से एक रिश्ता था फन वाला। जो चीजों से मुझे प्रॉब्लम था वही चीजों पर मेरी इनसे अनबनी हुई थी और डायरेक्ट हुई थी, वो किसी की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी इनसे डायरेक्ट हुई थी। तो इट वॉज नॉट अ प्लान, नॉट एट ऑल। और एक सवाल जो आपने अभी किया था कि हाँ माइंड का, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं खुद बोलती हूँ कि मैं दिल से करती हूँ, मेरे को इतना समझ जब टास्क होने लगता है तब तो मुझे लगता है क्या टास्क है, इजी से है, लेकिन धीरे धीरे वो पजल जैसा लगने लगता है, फिर मुझे उसे सुलझाने में बड़े मजे आते हैं। वहां मैं दिमाग जरूर यूज करती हूँ ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने कोई स्ट्रेटजी या प्लान नहीं, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं मिस मालिनी से हूँ और मेरा सवाल है शालीन से। हाय नवाज। शालीन, जैसे कि आपने कहा 4 दिन बचे हैं, 4 महीने निकल चुके हैं, आपको लोगों ने फेक कहा है, आपको कहा गया है कि आप एक्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आप ये गेम लड़कियों के सहारे से खेलते हुए आए हैं। पहले सुम्बुल थी, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर प्रियंका, अर्चना बच गई उस चंगुल से, लेकिन आने वाली थी। मुझे ये जानना है आपसे कि अभी भी जैसे कि आपने कहा आप 15 साल से काम कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि अब तक मैं शाली नहीं बना, तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। आपको नहीं लगता इस पड़ाव पर आपको हमें बताना चाहिए कि रियल शालीन भनोट कौन है? सर मैं आपको बताऊं, रियल शालीन भनोट जो है ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली जीवन में अगर मैं अपने आप को ऐसा, कोई भी इंसान यू नो, हम अपने आप को खोजते हैं और पूरा जीवन लग जाता है, एनलाइटमेंट नहीं मिलती है ना उसके लिए, बिल्कुल निर्वाणा ही हासिल हो जाए अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को पूरा खोज लिया और समझ लिया है। रही बात इन दिस एंटायर शो, वेदर आई वॉज, मैं अगर गुस्सा था तो मैं गुस्सा था, मैं बहुत सुधार आया, सलमान सर ने बहुत सुधार दिया मुझे बहुत सारी चीजों में कि गुस्सा नहीं करना है, अब शब्द नहीं बोलने, तो उन चीजों को मैंने कंट्रोल किया। आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसका नरेटिव कुछ नहीं है, ये मैं हूं, ऐसा दिखता हूं, ऐसी बातें करता हूं, ये मेरी आवाज है। अब इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो मेरे को लगता है वो जो देख रहे हैं, जो जनता है, जो कलर्स है, ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कि मैं कैसा हूं। मैं अगर इतना एनलाइटमेंट मेरे को मिल जाए, मैं मां कसम, मतलब सुबह के स्लॉट में आऊंगा, बहुत पैसे हैं उसमें, मतलब यू नो, हाँ नहीं मतलब थोड़ा वहां, मतलब मैं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, हाँ मतलब बाबा शालीन बन गया, हाँ मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं एक्चुअली कौन हूं, यहाँ से जाने के बाद सातारा में 1 एकड़ जमीन लेके इसका मंदिर लगाएंगे और बाकी सब लोग दर्शन करके आएंगे। शालीन बाबा थोड़ा कुछ समझा। पर मैं एक ऐसा इंसान मैं बोलना चाहूंगा कि शायद ऐसे मम्मी पापा ने इतना संस्कार थोड़े से दिए कि कभी इधर उधर, हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने में गलतियां भी करी है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक इंसान हूँ जो रीजनेबल रहता है लोगों के साथ में और इज्जत देता भी है और इज्जत अपने साथ में अपने लिए एक्सपेक्ट भी कर लेता है। तो मतलब ये मैं ये अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं 4.5 महीने में, पता नहीं जीवन लगेगा थोड़ा सा पहचानने में अपने आप को, पर आई एम दिस यार, आई एम अ सिंपल मैन, जबलपुर से आया हुआ वो इंसान जो अब यहाँ पे है, बड़ा सा ये सेम थान से कपड़े ऐसे सिलाई करके बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, आई एम अ रीजनेबल नॉर्मल गाय। नॉर्मल रेगुलर गाय, नॉर्मल तो नहीं। आज कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारी लाइफ ठीक है, हमारी लाइफ नहीं होता, कुछ जवाब कुछ। आई एम नॉट एक्सक्लूसिव, आई एम लिमिटेड एडिशन। सलमान सर अच्छा है, ये अच्छा है।
मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं ई टाइम से हूँ. मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है. प्रियंका आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप बहुत बेबाकी से बात करती हैं, लेकिन जब जब असली मुद्दों पे बात करने की बारी आती है आप मौन व्रत साबित कर लेती हैं. जब जब आपके सामने किसी लड़की के बारे में अश्लील चीजें बोली गई है, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, आपको पता ही होगा शालीन ने कहा है, आप वहां पर एकदम शांत रही है. आपने ना तो उनको चुप कराया है, ना तो आपने उनको बोला है कि ये सब चीजें मत बोलो. ऐसा क्यों आपको लगता है कि बाहर जो जनता देख रही है, जो लड़कियां देख रही हैं, वो ऐसे को अपना आइडल मानेंगी? आई थिंक अगर आपको याद हो तो कि एक बार ये बात शालीन भी जानते हैं कि श्रीजिता और शालीन एक बार कुछ बात कर रहे थे किसी बारे में, जो श्री जो भी था, बट मैंने खुद चुप कराया उन्हें, जबकि मेरे उस इंसान से बात भी नहीं हुई. बट आई डिड दैट राइट, मैंने ऐसा करवाया है. और रही बात मुझे नहीं पता आप कौन सी बात की बात करें, क्योंकि कभी भी उन्होंने कहा था निमरित और सौंदर्या तो छज्जों से कपड़े उतार के पहनती है और इनको काम कैसे मिलता है. बोली होगी आप वहाँ पे सामने बैठी थी, नहीं, नहीं, अगर मैं वहाँ थी तो आई एम श्योर मैंने बोली होगी ये बात, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई कुछ किसी लड़की के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ. नहीं, आपका जो सामने आया था, बट मेरे को याद नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी बोल रहा होगा, आपने भी देखा कि मैंने कभी भी किसी लड़की के लिए, चाहे मेरी उससे बात हो ना हो, डजंट मैटर, मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकती किसी के लिए. एंड द सेम आई नो मैं नहीं बोल सकती, तो मेरे सामने भी कोई बोलता है. एंड आई थिंक मैंने वहां पर कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता आप कौन से बारे में बात करें कि कभी ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है या तो, बट कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं बोला होगा. तो होगा एक हिंट तो दिया होगा कि ऐसे मत बोलो. मैं एक चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई भी लोखंड वाला मार्केट गया है, वहां पर काफी महंगे कपड़े मिलते हैं, मेरे खुद के मीरा रोड से आ रहे हैं. किसी भी चीज का दूसरा सवाल मेरा अर्चना आपके लिए. अर्चना, जब आपको अंकित गुप्ता को बाहर निकालना था घर के, तो उस समय आपके आंखों के तारे बन चुके थे शिव ठाकरे, आपको उनमें अचानक से विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी थी, आप रितेश देशमुख के सामने, जिनीलिया के सामने, आपको ऐसा लगता था कि शिव ठाकरे जो है वो विनर होने चाहिए, विनर क्वालिटी होनी चाहिए. लेकिन फिर बाहर से जनता आई, आपको उनकी फैन फॉलोइंग दिखी और अचानक वो आपकी नजरों से ठैश गिर गए. सेम चीज एमसी स्टैंड के लिए भी हुई, सेम चीज प्रियंका के लिए भी हुई, तो क्या ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के सक्सेस से थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अरे हमसे पूछा दो महीने यही चलेगा, ठीक है? पहली बात तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं जैसा भी था. और उस टाइम पे आई थिंक मुझे सीरियसली याद नहीं है कि मैंने ये बोला था कि शिव ठाकरे विनर बनेंगे. मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैंने बोला था क्या. सराय तो अभी अगर रिटर्न जाते पास में आप खोल दोगे, पर जाने दो तो बोला होगा मतलब ऐसा. बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं किसी की दूसरे की खुशी से जलती हूँ. नहीं, अभी आज भी हम पांचों बैठे, कोई भी विनर बने, बट हम पांच यहाँ पे बैठे हम अपने आप में ही विनर बन चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे झेली है, कितनी छीछा लेकर हमने झेली है, कितनी बेइज्जती हमने झेली है, और आज हम स्ट्रॉन्ग बन गए. बट कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी किसी की खुशी से जली हूँ. इनफैक्ट इसका स्टैंड का वो डांस वाला भी हुआ था, उसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया था. लास्ट में मैंने बस ये बोला था बिग बॉस को, बिग बॉस एक हिंदी गाना बजा दो, कम से कम मैं भी नाच लूं. तो बस ये, अदरवाइज मैं कभी किसी से इतना वो नहीं हुई हूँ. इतना नहीं हुई, हाँ मैं हाय, गुड इवनिंग. मेरा नाम कोमल है, मैं पीटीआई से हूँ. आप सभी